हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आचल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे ऑनलाइन चैनल में। और आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा छत्तीसगढ़ व्याकरण, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे लिंग। देखिए, जब हमने हिंदी व्याकरण पढ़ा है तो उसमें भी लिंग होता है, सेम उसी तरीके से छत्तीसगढ़ी में भी लिंग है, जिसमें हम देखें संज्ञा के जिस स्थान से हमको ये पता चले कि कोई भी जो चीज़ है, मतलब व्यक्ति वगैरह है, वो पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, तो उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे लड़का पुरुष जाति हो गया, लड़की स्त्रीलिंग हो गई, आदमी पुल्लिंग हो गया, औरत स्त्रीलिंग हो गई। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो जिस संज्ञा शब्द से हमें उसके पुरुष होने का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे घोड़ा, लड़का, छात्र, बैल आदि। और जिस संज्ञा शब्द से हमें उसके स्त्री होने का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे घोड़ी, लड़की, छात्रा, गाय आदि। तो देखिए, ये तो नॉर्मली जो हम व्यक्ति और जंतु वगैरह के लिए यूज़ करते हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग, वो बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, वो हमको पता होता है। लेकिन इसके अलावा जो वस्तु वगैरह होते हैं उनको भी, उनका लिंग भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में विभाजित होता है, जो हमको मोस्टली नहीं पता होता, तो वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा ने छत्तीसगढ़ी में संज्ञाओं को लिंग के आधार पर तीन भेद दिए हैं। देखिए, एक तो पुल्लिंग संज्ञा, स्त्रीलिंग संज्ञा और उभयलिंग। पुल्लिंग संज्ञा में क्या क्या आता है, जैसे चाउर, दसना, पखना, पाना, कौआ, ये सारे क्या होते हैं, पुल्लिंग संज्ञा। स्त्रीलिंग में खेखरी, जिसको बोलते हैं अपन लोमड़ी, चिरई, भूसड़ी मतलब मच्छर, फरिया, सुतिया, सूता, ये जो सारे शब्द हैं वो स्त्रीलिंग के शब्द हैं। उभय लिंग में आ जाता है जहूरिया, मतलब संबंधियक होता है, ये स्त्री पुरुष दोनों के लिए यूज होता है, परानी, पति या पत्नी, गी मतलब सखी या साथी, ये भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों के लिए यूज होता है। ठीक है, देखिए उपयुक्त विभाजन में चाउर, दसना, पखना, पाना आदि निर्जीव संज्ञाएं हैं, मतलब इनको निर्जीव माना जाता है और इन्हें पुल्लिंग वर्ग में रखा गया है। और आपको माटी, लौठी, ढार, फरिया, सुतिया, सूता, इन्हें जो है स्त्रीलिंग में रखा गया है। अब देखिए, अब छत्तीसगढ़ी के जो हैं कुछ पुल्लिंग शब्द, पुरुषों के नाम जैसे मोहन, संतोष, प्राणियों के नाम भैंसा, कौआ, उल्लू, मगरमच्छ, प्राणियों के समूहवाची नाम जैसे घराना, समाज, टोला, मोहल्ला, पारा, अपवाद, पंचायत मतलब टोली, स्त्रीलिंग मतलब ये जो है कुछ स्त्रीलिंग के शब्द जो हैं वो बताए गए हैं यहाँ पे। अकरांत अप्राणीवाचक शब्द जैसे घर, द्वार, खेत, खार, कोठार, शनि, राहु, केतु, चंदा, कबरा, ये जो हैं पहाड़ के नाम जो हैं वो पुल्लिंग होते हैं, लेकिन जो पहाड़ियाँ होती हैं मतलब छोटे पहाड़ होते हैं उनका नाम स्त्रीलिंग होता है, जैसे सीता वेंगरा। वृक्षों के नाम आम, मुनगा, नीम, ये जो है पुल्लिंग के शब्द हैं। उसके बाद दही, मही, तेल, शरबत, देश, प्रदेश, समुद्र, महीने, दिन आदि के नाम। अनाजों के नाम जैसे गेहूं, चना, दाल, लेकिन जैसे मूंग, अरहर, मसूर और उड़द जो है वो स्त्रीलिंग है। देखिए, यहाँ पे समझने का कुछ नहीं है, बट ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अगर आप लोगों को यहाँ पे ये लिस्ट मिल रहा है तो आप इसको चार बार पांच बार बोलिए, आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। धातुओं के नाम जैसे सोना, तांबा, फूल, कांस, ये जो है क्या है, पुल्लिंग है, लेकिन अपवाद क्या है, चांदी, चांदी जो है वो स्त्रीलिंग है। चढ़ान, ढलान, घेराव, लिपाइया, रखवार, बनिहार, भूतियार, बेंगचा, ढेरचा, ये सब क्या है, पुल्लिंग शब्द हैं। अब देखिए स्त्रीलिंग शब्द मंटोरा, रुक्मिन, सुखमती, मतलब जो नॉर्मल नाम होते हैं वो हैं स्त्रियों के नाम। निम्नलिखित निर्जीव वस्तुओं के नाम जैसे बासी खाने का पात्र, सेकमो, तरकी, कुरिया, कूटी, हंडली, हड़िया, ककरी, तेलई, ये सब जो हैं वो क्या हैं, वो सब स्त्रीलिंग के शब्द हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने कितने सारे शब्द देखे जो कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के शब्द हैं। एक बार में तो पक्का आप लोगों को ये सब याद होगा नहीं, लेकिन मैं कहूँगी कि आप लोग इसको बार बार बोलें, पढ़ें, सुनें, तो आप लोगों को ज़रूर याद होगा। और अब मैं मिलूँगी आप लोगों से अपने नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।